देखिए, विगत कई वर्षों से मास्टर प्लान अभी पटना शहर का बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। आज इसे कब का ही इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था राज्य सरकार को, अब तक नहीं कर पाई है। उसी तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा जाती है तो लगता है कि घंटों घंटों जो घंटा जो हम लोग 10 मिनट में यात्रा सफ़र कर सकते हैं वो दो दो घंटा लग जाते हैं। पटना शहर विगत आज़ादी के बाद डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था अब तक नहीं हुआ। पटना के महापौर का चुनाव इस बार अलग तरीके से होगा। सीधे महापौर और उप महापौर का चुनाव होगा और उसके लिए मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, चंदमणि कुमार मणि, जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर और समाज की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वो पटना के महापौर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या है उनका प्लान, क्या है पटना के लिए उनके सपने, और अगर वो महापौर बनते हैं, मेयर बनते हैं पटना का, तो वो उनकी प्लानिंग क्या है? क्योंकि आप कल्पना कीजिए, एक एमएलए एमपी से ज़्यादा बड़ा किसी शहर का मेयर होता है। उस शहर को सजाने संवारने, लाइफ स्टाइल, सिविक सेंस, इस सब के लिए मेयर जिम्मेदार होता है। चंदमणि जी ने इससे पहले बढ़िया काम किया और ख़ासकर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है मजदूरों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए? एक मेयर जो होता है वो एक मुख्यमंत्री के बराबर का पद होता है किसी शहर के हिसाब से। पटना एक प्राचीन शहर भी है, मगध की पहचान भी है, देश की भी पहचान है। तो पटना के मेयर के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं कि क्या है उनकी रणनीति। सर, क्या प्लानिंग है मेयर के लिए आप लोगों की, और क्यों मेयर बनना चाहते हैं, और अगर आप मेयर बन जाते हैं तो पटना के लिए क्या पॉलिसी होगी? सर्वप्रथम नेशनल दस्तक के प्रधान संपादक समूह सिंह पटेल जी को मैं अभिनंदन करता हूं, नमस्ते करता हूं। पटना शहर विगत आज़ादी के बाद डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था अब तक नहीं हुआ है, चाहे वो बरसात के दिनों में है। अभी मौसम बरसात का है, बरसात में जहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाती है पूरा पटना प्रभावित हो जाता है, आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उसी तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा जाती है तो लगता है कि घंटों घंटों जो घंटा जो हम लोग 10 मिनट में यात्रा सफ़र कर सकते हैं वो दो दो घंटा लग जाते हैं। इस पर विशेष तौर पर हम लोग पहल करेंगे जो सुगम यात्रा यहाँ के लोग कर सकें। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर का जो दूरी तय करने का जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 1.5 मिनट 2 मिनट उसके अंदर वो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, वैसी व्यवस्था सुगम प्रणाली हम लोग यहाँ पटना शहर के अंदर लाएंगे। हेल्थ एक बड़ा मसला है और पटना हेल्थ हब के रूप में भी जाना जाता है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या जो सरकारी अस्पताल है उसको लेकर क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, रहन सहन हम लोग को प्रभावित कर रहा है, खान पीन जो हम लोग कर रहे हैं, जो विषैले पदार्थ का हम लोग सेवन कर रहे हैं उसका दुष्परिणाम के वजह से हम लोग का स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट हम लोग खाद आपूर्ति करेंगे यहाँ के आवाम को, ताकि वो कम से कम रोगी हों और स्वास्थ्य अच्छा हो। और पटना के लिए और क्या, आपको क्या लगता है कि क्या करने की ज़रूरत है? पटना बारिश में डूब जाता है, गंदगी चारों तरफ अंबार है, ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या सब रोड मैप है आपके नज़र में? देखिए, विगत कई वर्षों से मास्टर प्लान अभी पटना शहर का बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। आज इसे कब का ही इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था राज्य सरकार को, अब तक नहीं कर पाई है। आज इसको हम लोग जैसे ही सत्ता में अगर हम लोग मेयर बनते हैं तो इसको पहले हम लोग दुरुस्त करेंगे। गली का, नली का जो व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने की व्यवस्था की जाएगी। जो इंक्रोचमेंट है, बहुत बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट है, उसको ठीक ठाक किया जाएगा। क्या लगता है, आपने कब तय किया कि पटना के बारे में कब से रह रहे हैं, और कब तय किया कि मेयर बनना है, पटना की जिम्मेदारी लेनी है? पटना में विगत 45 वर्षों से बचपन से ही मैं पटना को देख रहा हूँ। पटना में शिक्षा दीक्षा हमारा हुआ, स्कूलिंग भी हुआ, कॉलेज का भी हुआ, उस वक्त से मैं देख रहा हूँ। काफ़ी बदलाव हुई है, काफ़ी संख्या बढ़ी है पटना शहर के अंदर, लेकिन ट्रैफिक की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। तकनीकी दृष्टिकोण पर उसको थोड़ा सा अमल करके सुधारने की ज़रूरत है। अब तक क्या किया आपने सोसाइटी के लिए, वो बताइए जो नेशनल दस्तक के दर्शक।
समाज में जितने भी दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनको कई तरह के हम लोगों ने रोजगार इकट्ठा कराया है और जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही बेहतर हुई है। ऐसे दर्जनों नहीं हजारों की संख्या में हमारे लाभुक लोग हैं जो काफ़ी अपेक्षित करते हैं, अपेक्षा करते हैं हमसे, उनको हमने मदद करी है। तो चलिए, पटना में मेयर का चुनाव इस बार दिलचस्प होगा और उम्मीद है कि नवंबर तक चुनाव होंगे। और इस बार पहले वार्ड काउंसलर मेयर चुनते थे, इस बार है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता तय करेगी कि कौन होगा पटना का मेयर। निश्चल दस्तक की लगातार कोशिश है कि जो तमाम नए तरह की शख्सियत हैं उनको आपसे रूबरू कराया जाए, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ चंद्रमणि कुमार मणि थे जो पटना के मेयर के लिए कमर कस रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।